मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी, मतलब रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स, रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स। देखिए कि बारिश आ रही है, बारिश में आप एक छाता लेके चल रहे हो, बारिश ऐसे भी आ सकती है, बारिश ऐसे भी आ सकती है, बारिश ऐसे, तो ऐसे आ रही है तो छाता ऐसे करेंगे, ऊपर से आ रही है तो ऐसे करेंगे, पीछे से आ रही है तो ऐसे करेंगे, करते हैं कि नहीं करते। उसका एक वे होता है, एक मेथड होता है, वो हमने सीखना है कि कैसे एक छाता वहां पे लगाया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में कुछ बातें सिखाई थी कंपोनेंट की, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, कुछ देर पहले ही कराया मैंने। मान लो ये रेजल्टेंट है, ये थीटा हो गया, तो दिस वन इज ए आर कॉस थीटा, दिस वन इज ए आर साइन थीटा, ओके है। फिर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है आई कैप, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है बेटे जे कैप, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है बेटे ए कैप, ओके। तो देखिए पहले, सबसे पहले मैं आपको एक्सिस बता देता हूं, ठीक है। फिर एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने, अगर इस तरफ चलते तो आई कैप क्या हो जाएगा बेटे पॉजिटिव, अगर आप इस तरफ चलते हैं तो वाई कैप क्या हो जाएगा बेटे एक्स, एक्स का माइनस में आएगा, अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये क्या आएगा बेटे जे कैप पॉजिटिव, अगर आप नीचे की ओर आ गए तो जी कैप क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब बारिश कभी ऊपर तो जाएगी नहीं, बारिश क्या आएगी नीचे आएगी, बारिश ऊपर नहीं जाएगी ना, बारिश नीचे आएगी, ओके। बारिश का पानी इधर जाए या इधर जाए वो आपको नोट करना है, ओके। देखिए आपको जब आपके टीचर्स पढ़ाएंगे कि रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स कैसे करनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको 6-7 न्यूमेरिकल कराऊंगा बढ़िया बढ़िया, आप उन न्यूमेरिकल्स को बड़े अच्छे से देखना, अगर आपको लगे कि ये बिना किसी थ्योरी के आपके तैयार कर सकते तो आपको 6-7 न्यूमेरिकल बड़े बढ़िया बढ़िया करा दूंगा। देखिए पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट वन कहता है बारिश का पानी आ रहा है ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रेन 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक आदमी है अपनी हसीना का इंतजार कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन रेस्ट, ठीक है। तो वो क्या सोच रहा है कि भी बारिश होने लगी है, जिसका मैं वेट कर रहा हूं वो आ नहीं रही, तो मैं अब क्या करूं, तो बारिश में गीला तो होने से रहा, अभी जिंदा हूं तो पी लेने दो, भरी बरसात में मुझे जी लेने दो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि इनको आपने एक्सिस के अकॉर्डिंग देखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखिए बारिश किस तरफ आ रही है, नीचे वाली ओर, वाई एक्सिस, और नीचे की ओर वाई एक्सिस ओरिजिन से चेक करिए, ये है ना नीचे आ रहा है, तो 40 जी है, वो भी किसका माइनस, ओके है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ना ये इधर जा रहा ना ये इधर जा रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे, तो जीरो। आपने क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हुआ बेटा माइनस का
40 gm। ओके, ये तो आ गया आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब आप देखो कि छाता कैसे खुलता है। छाता देखो, ग्राफिकल भी समझ लो। अब वो आदमी है, यहां खड़ा है, बारिश नीचे की ओर आ रही है, हो गया 40, क्लियर। तो ना तो कोई इधर हो रहा ना इधर हो रहा, तो छाता बिल्कुल बारिश सीधी हो रही है ना, ये उसका छाता। अरे बात सुनो, जब बारिश में आप रेस्ट में होंगे तो आप कभी भी नोट कर लेना, आपका छाता बिल्कुल सीधा होगा, लाइक दिस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटे, जो बच्चे आकाश जाते हैं, जो बच्चे यहां वहां वेदांतु ऐप वगैरह यूज कर रहे हैं, इससे इजी तरीका आपको नहीं मिलेगा। ये पहली प्रॉब्लम थी, नोट करिए। सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम में मैं ये कर रहा हूं कि ये बारिश हो रही है, इस वेलोसिटी ऑफ रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। यहीं पे वही आदमी अब रेस्ट में नहीं है, ठीक है, अब वो भाग रहा है। कितना? वेलोसिटी ऑफ मैन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कहता है कि इस आदमी को छाता किस हिसाब से खोलना चाहिए कि वो गीला ना हो। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लाइए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 40 gm। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, इस तरफ वो भाग रहा है बेटा, तो पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस में है, तो 30 आएगा। ओके, निकालना क्या है आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस 40 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 30 आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, ये आपका बेटे आंसर आ गया, मतलब इस तरह की पोजीशन होगी। अब हम कहें कि वो आदमी अगर ग्राफिकली दिखाओ कि चश्मा उसका छाता कैसे भी खोलेगा, तो देखो बारिश किस स्पीड से आ रही है, नीचे की ओर माइनस का 40, नीचे दिखा रहा हूं, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, माइनस का 30 आई कैप, इधर जाऊंगे इधर ही आऊंगे, ये हो गया आपके 30, माइनस लगाने की जरूरत आपको नहीं। ओके, तो जाहिर सी बात है दो कंपोनेंट हो गए, दिस वन इज वर्टिकल दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये इसका क्या हुआ बेटे, रिजल्टेंट। तो छाता इसका अपोजिट खुलेगा, ऐसे छाता खुल गया। अब वो जब भाग रहा होगा तो जाहिर सी बात है जब आप आगे भागोगे ऐसे ऐसे तो छाता कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, छाता खुल गया, ये हो गया इसका बेटे थीटा, इसका क्या हो गया, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया बेटे, इसके दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करो, पैरेललोग्राम बनाओ, इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी भी डायरेक्शन, पैरेललोग्राम बन गया, देखो आपको ये थीटा बताना है कितना है। ओके, सबसे पहले कहे कि रिजल्टेंट बताओ भाई, तो देखो ये पाइथागोरस लग रहा है, ये 40 ये 30, तो ये रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे, 900 प्लस 1600 2500, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की रिजल्टेंट आ गया। अब हमें
एंगल देखना। देखिए मैंने बेहतरीन आपको दो एंगल करवाए हैं लाइक दिस, कि अगर ये 37 है तो ये 3, ये 4 और ये 5। अगर एंगल 53 है तो ये क्या होगा 4, 3 और ये क्या हो गया 5। अब 10 थीटा देखना, ये स्लोप लाइन होगी ना 10, तो 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 0 से 0 कैंसिल, तो 10 थीटा क्या आ रहा है 3/4, 10 क्या था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 3/4, ये 4/3 बनता है 10 ना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया, तो एंगल कितने डिग्री का आ रहा है 37 डिग्री। बेटे एक क्वेश्चन नीट में आएगा ही आएगा, 101% आएगा, नोट करिए इसको अच्छी तरह से, इन प्रॉब्लम्स को समझिए। एक दो और करवाता हूं न्यूमेरिकल, आपको और अच्छे से आएगा। मान लो वेलोसिटी ऑफ रे मैंने दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर, और एक आदमी एक ट्रेन या एक व्हीकल के ऊपर है, आदमी यहां बैठे हैं, ये इस तरफ वेलोसिटी ऑफ मैन या ब्लो कुछ भी दे दिया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दे दिया। कहता है कि अब इस आदमी को इस बारिश के अंदर छाता कैसे खोलना है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा 60, बारिश नीचे आ रही है j कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या जाएगा 30 i कैप, क्योंकि इस पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहा है। तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो रेन का क्या आ गया बेटे -60 j कैप -30 i कैप, ओके है, ये तो आ गया बेटे रिजल्टेंट, ओके है। अब इसको बेचारे को छाता भी खोलना है, छाता खोलो, देखिए क्या आ रहा है 60 j कैप माइनस का लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस का 30 ओके है, तो रिजल्टेंट बन गया, तो छाता इस तरफ खुलेगा बेटे, ऐसे ऐसे छाता खुल गया, तो ये एंगल हो गया उसके हाथ और उसके मुंह के बीच में, तो ये एंगल क्या हो गया थीटा, जितना ये कंपोनेंट है उतना ये पैरेलल इसके ड्रॉ कर दिया आपने, तो ये आपका कितना आया था बेटे 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 ओके है। This one is a velocity of rain with respect to man, that is resultant. कैसे करोगे? Pythagoras perpendicular upon 30 का square plus 60 का square कितना आ जाएगा 900 plus 3600 कितना आ जाएगा 4500 और आगे आप calculate कर लोगे। अब हम आते हैं इस एंगल की ओर, 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 30 अपॉन में 60, 1, 2, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2, थीटा इनवर्स की वैल्यू क्या जाएगी 1/2, कुछ समझ में आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था बेटे थर्ड, नोट कर लो अच्छे से। अब कई बार बारिश क्या होती है तिरछी भी आती है, बारिश क्या आती है तिरछी आती है, बारिश अगर तिरछी आई तब आप क्या करेंगे, बारिश को तिरछी आने के लिए मैं मान लेता हूं एक छोटा सा एक एंगल ले लेता हूं, आपको कंपोनेंट्स बनाने तो मैंने सिखाई दिए, देखो रेन ऐसी आती है,
क्लियर, इससे बेहतरीन प्रॉब्लम क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ रे मैंने दे दिया 50 किलोमीटर पर, और यहां पे वही शख्स हैं, बाल इसके बहुत अच्छे से हैं भाई, हैं दौड़ रहा है, दौड़ने दो। वेलोसिटी ऑफ मैन मैंने क्या ले लिया बेटे, चलो 30 किलोमीटर। ओके, मैंने क्या किया कि इसको मान लिया ये 37 डिग्री। ओके, तो देखो अब आप ध्यान से समझो, ये हो गया रे, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, इसका एंगल कितना हो गया बेटे 37। तो ये इसकी वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस होगी, कंपोनेंट रिजॉल्व्स होंगे माय डियर, ये वेलोसिटी ऑफ इसकी क्या हो जाएगी बेटे वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब ये एक एंगल पे है, एंगल पे है तो इसके दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व होंगे, तो दो कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल, अब एंगल बना है 37 इसके साथ ना, मान लो एंगल इधर होता तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता हमारा, तो vx कैसे लिखोगे, vx रिजल्टेंट v into cos 37, cos 37 ऐसा होता है 37, तो ये 3 ये 4 और ये 5, तो v की वैल्यू 50 cos 37 cos 37 base upon में hypotenuse 4/5 कितना आ गया 10, 40 किलोमीटर पर। अगर हम देखें तो बारिश इस डायरेक्शन में 40 चल रहा है, v by वर्टिकल कंपोनेंट v into sin थीटा, v की वैल्यू कितनी होगी 50 into sin 37। गर्मी बहुत है भाई, 50 sin 37 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस कितना आ गया 10, तो 30 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया 40 किलोमीटर पर। ओके, तो इन दोनों कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अब इसका रिजल्ट बन गया, वेलोसिटी ऑफ रे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये माइनस का 40 आई कैप, माइनस का 30 जी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा बेटे 30 आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो अब मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रे विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कितना आ गया माइनस का 40 आई कैप, माइनस का 30 जे कैप, और माइनस का 30 आई कैप, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस 70 आई कैप माइनस 30 जी। ओके, तो अब ग्राफिकली आप इसको देखिए, ग्राफिकली अगर देखें तो ये 30 जे माइनस का है, माइनस का 70, तो रिजल्टेंट यहां बन जाएगा, आदमी यहाँ है तो छाता अब इसका कहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा मेरी छतरी के नीचे आ गया, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी, ये थीटा हो गया बेटा, तो ये थीटा हो गया, तो इसका ये अल्टरनेट एंगल, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये 70, ये पैरेललोग्राम बन गया 70 अपॉन में, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 7/3, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करें कि यही आदमी एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चल रहा है, उसका एंगल कितना हो गया बेटे 53 डिग्री। ओके,
और ये आदमी यहाँ पे इस तरफ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप कैलकुलेट कर चुके हैं कितना आया था, माइनस का 40 आई कैप, माइनस का 30 जी कैप। ओके, अब इसके दो कंपोनेंट आपको बनाने पड़ेंगे। इसके दो कंपोनेंट बनाने के लिए तो देखो ये हो गया इसका 100, ये थीटा 53 और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देख रहे हैं, तो 53 है बेटे। 53 का ट्रायंगल क्या होता है, ये 53 4 3 5 कितना आ जाएगा, v इंटू कॉस 53 100, हाँ जी 100 के बाद कॉस 53, कॉस मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस, 3 अपॉन में 5 कितना आ गया बेटे 20, 60 किलोमीटर पर। इधर देखो v बाई ये बी एम एक्स है और बी एम वाई, वेलोसिटी ऑफ मैन अबाउट वाई एक्सिस वी साइन 53, वी साइन 53 तो वी कितना है आपके पास 100, साइन 53 साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 4/5 कितना आ गया 20, ये हो गया बेटे 80 किलोमीटर पर। ओके है, अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना है, क्या बन जाएगा, दो कंपोनेंट आपके ऐसे रिजोल्व हुए हैं, चेक करो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो 60 आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है वाई का क्या आया बेटे 80 जी कैप। अब आपको निकालना है फाइनल रिजल्ट, ये एससी वर्मा का बेटे प्रॉब्लम है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ जाएगा 80 आई कैप प्लस 60 आई कैप 80 जी कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन अपने पास है माइनस का 40 आई, माइनस का 30 जे, माइनस का 60 आई, माइनस का 80 जे, माइनस 40 माइनस 60 माइनस का 100, माइनस का 30 माइनस का 110, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये रिजल्ट आपके पास तैयार है। ये तो आया मैग्नीट्यूड, अब आपको इसकी ग्राफ बनाना है कि ग्राफिकली वो छाता कैसे खोलते हैं। तो देखिए माइनस का 100 आई, तो माइनस का 100 आई यही होगा, 110 माइनस का, तो रिजल्टेंट ये हुआ, आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ रे विद रिस्पेक्ट टू मैन ये 100, तो छाता कुछ ऐसा खुला बेटा, तो ये थीटा ये भी थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में इज 100 अपॉन में 110, थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा टेन इनवर्स 10 बाय, नोट करिए और इसको अपनी फेयर कॉपी में आपको करना है बेटे। आपको लगे कोई प्रॉब्लम आपको ट्राई करना है, आप आकाश की बुक उठाइए, एलन की बुक उठाइए, एससी वर्मा उठाइए या रेसनिक की कोई भी बुक उठाइए, आपको इससे ऊपर और बेस्ट न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। आप ट्राई करिए, अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझसे समझिए। आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि रेन ड्रॉप प्रॉब्लम की आपको एक प्रॉब्लम सीबीएसई नीट और मेन में जरूर मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स एंड वेक्टर की एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है रिलेटिव वेलोसिटी की।
नोट करिए और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में।